हेलो हेलो फूडीज, आप शुरू करिए सर। हे फूडीज, वेलकम बैक अगेन आपके अपने नए आपके प्यारे चैनल गजब फूडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट चैलेंज, जिसमें हम आज आपको बना के दिखाएंगे मैगी का पास्ता, और ये है चीज़ी मैक्रोनी। और आपका कौन सा है? सनफीस्ट का चीज़ी मैक्रोनी। सनफीस्ट जीपी का चीज़ी मैक्रोनी का पास्ता। हम कंपेयर करेंगे इन दोनों का टेस्ट में कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और इनकी MRP हम एक बार देख लेते हैं। इसकी MRP है 25 रुपये, एंड दिस इज ऑल्सो ओनली 25 रुपीज़ गाइस। और इसका नेट वेट है 70 ग्राम, और इसका ये 5 ग्राम कम है, ये थोड़ा 5 ग्राम कम है, और प्राइस भी इसका सेम है। तो देखते हैं टेस्ट में इसका कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। कच्चे खाएंगे? नहीं यार, पका के। तो है ये इसमें सूजी और रवा का है। हाँ, ये भी क्लेम कर रहे हैं नो फ्राइड नो मैदा 100% सूजी। ये देखिए, तो गाइस देखते हैं 100% सूजी है या मैदा है ना। और ये बोल रहे हैं अंदर एक सॉस का कुछ पैकेट भी होगा, सोर्स ऑफ प्रोटीन ऐसा कुछ लिखा, सोर्स ऑफ प्रोटीन। सॉरी मैं सॉस पढ़ रहा हूँ यार। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। IMIS होल्डर गाइस, और मेरी इंग्लिश देख लो आप। तो फूडीज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियोस पे। और अगर आपको कोई अलग से सजेशन देने हैं, अगर जिससे हम आपके लिए वीडियो बना सकें, तो प्लीज़ हम कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। या ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसे टेस्ट करने से पहले बनाना ज़रूरी है। तो बनाने के लिए पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हम शूट भी खुद ही करते हैं, बनाते भी खुद ही हैं, बट खाते के लिए नहीं है, खाने के लिए सबको खिलाते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं हमारी छोटी सी बट प्यारी सी किचन में, जहाँ पे हम बनाएंगे पास्ता। छोटी सी मगर बहुत प्यारी। तो गाइस देखिए, आ गए हम अपनी छोटी सी किचन में। ये कुछ ज़रूरी हथियार चाहिए हमें इस पास्ता के पैकेट से लड़ने के लिए। बट पास्ता का पैकेट कहाँ है भाई? 3 hours later। तो गाइस, आ गए हैं हम अपनी छोटी सी प्यारी सी किचन में, और इसके लिए हमें कुछ हथियार लड़ने के लिए चाहिए। पहला लाइटर आग जलाने के लिए, दूसरा चम्मच चलाने के लिए, तीसरा ये क्या बोलते हैं इसको, चाय बनाने वाला फ्राई पैन। तो हम आग जलाएंगे, ये सब तो आपको पता ही है गाइस। इसको रख लेंगे, हमने 250 ml पानी लिया हुआ है, मैंने रेसिपी इसके पीछे से पढ़ी है, मुझे कुक करना आता नहीं है गाइस इतना अच्छा। ये 250 ml पानी डाल दिया हमने। इसके बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो गया, बस इसमें हम सारा चीज़ डाल देंगे, और इसके बाद हम वीडियो करने वाले हैं फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वीडियो हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो गाइस बने रहिए वीडियो। तो मैगी वाला पास्ता हमारा बन गया, हो गया तैयार, और नेक्स्ट आइटम है हमारी यूपी संतुष्टि इडली और चिली पास्ता। तो शुरू करते हैं ये वाला पता, ये इसके अंदर है ये पैकेट, इसका मसाला का पैकेट है, और ये उसी पैन में हम दोबारा बना रहे हैं, जिसमें हमने अभी चिली पास्ता मैगी वाला बनाया है। तो इसको आप शुरू कर डिस्टर्ब करना। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, कि हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे, क्यों ना रह लो ना, अब तो आए जा हम को ले जाए जाए जा, अब तो आए जा हम को ले जाए जा, तैयार
तो जल्दी जल्दी से हम इसको टेस्ट करके आपको बता देते हैं गाइस। ये गार्निश करने वाला, ओह वन मिनट, ये गार्निश करने का तरीका मेरा था। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो ये दो ये वाली प्लेट्स हैं, ये सनफिस्ट वाले जो पैकेट था वो सनफिस्ट वाला है पास्ता, और ये जो दो है ये जो मैगी के हैं, ये दो प्लेट। और गाइस मैं बता दूं, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, थोड़े से मसाले डाल के, थोड़ा सा मसाला सा डाल के इसने चटपटा किया, बट मैंने जो सनफिस्ट वाली थी उसे एज इट इज ही रहने दिया, उसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ हल्का सा स्वाद के लिए हल्का सा नमक मैंने डाला, क्योंकि मुझे पता है इसमें थोड़ा सा नमक कम होता है और हमें हिंदुस्तानियों को थोड़ा नमक से खाने की आदत होती है। तो हम ट्राई करके बताते हैं कौन सा बेस्ट है। हम पहले नहीं, मतलब टेस्ट कर लेंगे ना, तो ये पहले बताएगा ना पहले मैं बताऊंगा, और दोनों का एक साथ रिव्यू देंगे, ताकि ये ना होगी इसका रिव्यू सुनकर शायद मैं कुछ अच्छा बोल दूँ या बुरा बोल दूँ, या मेरा रिव्यू सुन के ये कुछ गलत बोल दूँ। पूरा पूरा कोली खा के फिर बताएंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो पहले कौन सा, इसमें आवाज चेंज नहीं हो रहा है? पहले हम खाएंगे मसाला मैगी। चलो ठीक है, मसाला मैगी ट्राई करते हैं पहले। मसाला मैगी नहीं, मसाला वाला इसने पास्ता बना दिया, तो ये ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा भी है, मेरा वाला भी सेम है फ्रेंड्स। इसमें बीच में स्वीट कॉर्नस भी हैं इसमें, और कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के हर्बल, पता नहीं इसमें क्या है ये, उसको हम बोलते हैं लीफ टाइप का है शायद, या तो धनिया वगैरह भी हो सकता है, बेसिल तो नहीं है, या ऑर्गेनो भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है। मस्त है यार, उसको मैं थोड़ा सा बचा के रख रहा हूँ, इस बार ये टेस्ट कर लेता हूँ। ये इसके तो चीथड़े चीथड़े उड़ गए, जितना हमने उसको पकाया था उतना इसको भी पकाया था, लेकिन कम ही पकाया है इसको। हाँ कम ही पकाया है, लेकिन टेस्ट अगर सही है तो शेप डजंट मैटर। कुछ तो कहना पड़ेगा इसके बारे में। नीचे पानी ना गिर जाएगा ही। तो भाई ये मैं रिव्यू दे दूं अपना, ये वाला तो जैसे एकदम मतलब फीका टाइप है, एकदम कोई मतलब वो नहीं है, कोई चटपटा नहीं है, वैसे एकदम मसाले के जस्ट इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बटर डाला हुआ है और थोड़ा सा नमक है, हल्का सा एकदम हल्का सा, मतलब पता भी नहीं लग रहा, लेकिन हाँ जीभ को एहसास होता है कि कुछ तो मतलब हल्का सा टेस्ट है। हाँ उसका टेस्ट है, और ये जो हमारे मैगी का जो है ये तो एकदम लेवल से ऊपर है इसको, उससे मतलब उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पाइसी है, क्रीमी है, जूसी भी है, तो इसको तो बार बार खाने का मन कर रहा है। ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। इसको कैमरामैन ने मुझे इशारा किया कि मेरी दाढ़ी ख़राब हो गई और तुमने नहीं किया ये, अच्छे खाते पी ये खाते पी खाने की निशानियाँ भी, हाँ हमने कुछ खाया है अगर तो इसका ऐसा है कि अगर आप इससे बढ़िया तो आप घर में अगर 10 रुपये की खुली, मतलब आजकल माइक्रोनिक मिल जाती हैं 10 रुपये की, मेरे ख्याल बहुत सारी काफ़ी मिल जाती है क्वान्टिटी में, इसमें बड़ी मुश्किल से 65 ग्राम था इसमें सनफीस्ट में, 65 ग्राम था और उसमें 70 ग्राम था, और अगर आप ऐसे मार्केट में लेने जाओगे कम से कम आपको 150-200 ग्राम तो ऐसे ही मिल जाएगी, 150 ग्राम से कम तो मिलेगी नहीं, वो ऐसे ही माइक्रोनिस ला के उसको घर पे आप नॉर्मल बना के उसमें मसाला वसाला मैगी उसमें क्रीम कहाँ से डालेंगे? क्रीम भी आजकल यूट्यूब पे बहुत सी ऑनलाइन वीडियोस पड़ी हैं जिसमें आपको क्रीम बनाना आप सीख सकते हैं, घर पे ही बन जाती है अगर आप, और हो सकता है हम आने वाली वीडियो में आपको सिखा भी दें, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। हाँ आप अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसकी क्रीम वगैरह बनाना सिखाएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके कमेंट कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसके अलावा
हमारे दो चैनल और हैं जिसमें से एक टेक्निकल चैनल है और एक इंफॉर्मेशनल चैनल है, और इंफॉर्मेशनल चैनल का ऑनर हूँ मैं। गाइस ऑनर की बात नहीं है, मतलब ज़्यादातर वर्क ये करता है और टेक्निकल वाले में मैं करता हूँ। उन दोनों चैनल्स के भी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप जाके। और गाइस जो इंफॉर्मेशनल चैनल है उसका नाम है sikho.in और उसमें आपको मिलेंगी वीडियोस रिलेटेड लाइक वीज़ास, लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशंस, और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस होंगी लाइक क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरा फॉग गिरने से अभी बचा लिया मैंने। और जो दूसरा चैनल है वो हमारे विनायक जीनियस के नाम से है, और उसमें आपको टेक्निकल चीज़ें कुछ भी यूट्यूब के रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह जो होती हैं कुछ भी टेक्निकल उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। और जाइए सब्सक्राइब कीजिए और हमें खाने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, और आप भी एंजॉय कीजिए, घर पे बनाइए। बाय बाय।